वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे कटहल बीज की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 दिन सूखा हुआ 150 ग्राम कटहल बीज लिया है। अब इसे हम काट लेंगे। एक एक बीज को दो हिस्सों में काटेंगे। बीज अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसे 3-4 हिस्सों में भी काट सकते हैं। अब इसका जो छिलका है उसे हम निकाल लेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। सारे बीज को हमने काट लिया है। अब इसे हमें बॉईल करना है। इसके लिए मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल के मिलाएंगे। अब इसमें कटे हुए कटहल बीज को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे 10 से 12 मिनट तक। 2-3 मिनट के बाद बीज को हम एक दो बार चलाएंगे और 100% तक इसे बॉईल कर लेंगे। बीज जब पूरी तरीके से बॉईल हो जाए तब पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और दूसरी तरफ गरम पैन पे ऑयल डालेंगे 3-4 टेबल स्पून के करीब। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को कुछ सेकंड तक भून लेंगे। अब तेल में एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप किया हुआ प्याज और एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इसी के साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब सारे चीज़ों को मिलाते हुए मसाले को भूनेंगे तेल छोड़ने तक। करछी को आप लगातार चलाते रहे, धीरे धीरे प्याज टमाटर सॉफ्ट होके तेल छोड़ने लगेगा। तब इसमें बॉईल किया हुआ कटहल बीज को डालेंगे और सारे चीज़ों के साथ मिलाते हुए इसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, बॉयल कॉर्न 3-4 टेबलस्पून के करीब, ये ऑप्शनल है। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 3-4 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और सारे चीज़ों को करछी से चलाएंगे और ये हमारा कटहल बीज की सब्जी तैयार हो चुका है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और सब्जी रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।